अध्याय दो। सृजनहार शब्द। मैं समस्त वस्तुओं का स्रोत और केंद्र है। मीरदाद। जब तुम्हारे मुख से मैं निकले तो तुरंत अपने हृदय में कहो, प्रभु मैं की विपत्तियों में मेरा आश्रय बनो और मैं के परम आनंद की ओर चलने में मेरा मार्गदर्शन करो। क्योंकि इस शब्द के अंदर यद्यपि यह अत्यंत साधारण है, प्रत्येक अन्य शब्द की आत्मा कैद है। एक बार उसे मुक्त कर दो तो सुगंध फैलाएगा तुम्हारा मुख, मिठास में पगी होगी तुम्हारी जीवा और तुम्हारे प्रत्येक शब्द से जीवन के आहत का रस टपकेगा। उसे कैद रहने दो तो दुर्गंध पूर्ण होगा तुम्हारा मुख, कड़वी होगी तुम्हारी जीवा और तुम्हारे प्रत्येक शब्द से मृत्यु का मवार टपकेगा। क्योंकि साथियों, मैं ही सृजनहार शब्द है और जब तक तुम इसकी चमत्कारी शक्ति को प्राप्त नहीं करोगे, जब तक तुम उस शक्ति के स्वामी नहीं बन जाओगे, तब तक तुम्हारी हालत ऐसी होगी कि यदि गाना चाहोगे तो आर्तनाद करोगे, यदि शांति चाहोगे तो युद्ध करोगे, यदि प्रकाश में उड़ान भरना चाहोगे तो अंधेरे कारागारों में पड़े रहोगे। तुम्हारा मैं अस्तित्व की तुम्हारी चेतना मात्र है, मूक और देह रहित अस्तित्व की, जिसे वाणी और देह देख दी गई है। यह तुम्हारे अंदर का श्रव्य है, जिसे श्रव्य बना दिया गया है, अदृश्य है, जिसे दृश्य बना दिया गया है, ताकि जब तुम देखो तो अदृश्य को देख सको और जब सुनो तो श्रव्य को सुन सको। क्योंकि अभी तुम आँख और कान के साथ बंधे हुए हो, और यदि तुम इन आँखों के द्वारा ना देखो और यदि तुम इन कानों के द्वारा ना सुनो तो तुम कुछ भी देख और सुन नहीं सकते। मैं के विचार मात्र से तुम अपने दिमाग में विचारों के समुद्र को हिलकोने लगते हो। वह समुद्र रचना है तुम्हारे मैं की, जो एक साथ विचारक और विचार दोनों हैं। यदि तुम्हारे विचार ऐसे हैं जो चुभते, काटते या नोचते हैं, तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर के मैं ने ही उन्हें डंक, दांत और पंजे प्रदान किए हैं। मीरदा चाहता है कि तुम यह भी जान लो कि जो प्रदान कर सकता है वह छीन भी सकता है। मैं की भावना मात्र से तुम अपने हृदय में भावनाओं का कुआं खोद लेते हो। यह कुआं रचना है तुम्हारे मैं की, जो एक साथ अनुभव करने वाला और अनुभव दोनों हैं। यदि तुम्हारे हृदय में कंटीली झाड़ियां हैं तो जान लो कि तुम्हारे अंदर के मैं ने ही उन्हें वहां लगाया है। मीरदा चाहता है कि तुम यह भी जान लो कि जो इतनी आसानी से लगा सकता है वह उतनी ही आसानी से जड़ से उखाड़ भी सकता है। मैं के उच्चारण मात्र से तुम शब्दों के एक विशाल समूह को जन्म देते हो। प्रत्येक शब्द होता है एक वस्तु का प्रतीक, प्रत्येक वस्तु होती है एक संसार का प्रतीक, प्रत्येक संसार होता है एक ब्रह्मांड का घटक अंग। वह ब्रह्मांड रचना है तुम्हारे मैं की, जो एक साथ सृष्टा और सृष्टि दोनों हैं। यदि तुम्हारी सृष्टि में कोई हुए है तो जान लो कि तुम्हारे अंदर के मैंने ही उन्हें अस्तित्व दिया है। मीरदा चाहता है कि तुम यह भी जान लो कि जो रचना कर सकता है वह नष्ट भी कर सकता है। जैसा सृष्टा होता है वैसी ही होती है उसकी रचना। क्या कोई अपने आप से अधिक रचना रच सकता है या अपने आप से कम? सृष्टा केवल अपने आप को ही रचता है, ना अधिक ना कम। एक मूल स्रोत होता है मैं, जिसमें से सब वस्तुएं प्रवाहित होती हैं और जिसमें वे वापस चली जाती हैं। जैसा मूल स्रोत होता है वैसा ही होता है उसका प्रवाह भी। एक जादू की छड़ी है मैं, फिर भी यह छड़ी ऐसी किसी वस्तु को पैदा नहीं कर सकती जो जादूगर में ना हो। जैसा जादूगर होता है वैसी ही होती हैं उसकी छड़ी की पैदा की हुई वस्तुएं। इसलिए जैसी तुम्हारी चेतना है वैसा ही है तुम्हारा मैं। जैसा तुम्हारा मैं है वैसा ही है तुम्हारा संसार। यदि इस मैं का अर्थ स्पष्ट और निश्चित है तो तुम्हारे संसार का अर्थ भी स्पष्ट और निश्चित है, और तब तुम्हारे शब्द कभी भूल भुलैया नहीं होंगे, ना ही होंगे तुम्हारे कर्म कभी पीड़ा के घोंसले। यदि यह धुंधला और अनिश्चित है तो तुम्हारा संसार भी धुंधला और अनिश्चित है, और तुम्हारे शब्द
केवल उलझाव हैं। यदि यह एक है तो तुम्हारा संसार भी एक है, और तब तुम्हारे स्वर्ग तथा पृथ्वी के सब निवासियों के बीच अनंत शांति है। यदि यह अनेक है तो तुम्हारा संसार भी अनेक है, और तुम अपने साथ तथा प्रभु के असीम साम्राज्य के प्रत्येक प्राणी के साथ अंतहीन युद्ध कर रहे हो। मैं तुम्हारे जीवन का केंद्र है, जिसमें से वे वस्तुएं निकलती हैं जिनसे तुम्हारा संपूर्ण संसार बना है, और जिसमें वे सब वापस आकर मिल जाती हैं। यदि यह स्थिर है तो तुम्हारा संसार भी स्थिर है। तब ऊपर या नीचे की कोई भी शक्ति तुम्हें दाएं या बाएं नहीं डुला सकती। यदि यह चलायमान है तो तुम्हारा संसार भी चलायमान है, और तुम एक असहाय पत्ता हो जो हवा के कूद्र बवंडर की लपेट में आ गया है। और देखो, तुम्हारा संसार स्थिर अवश्य है परंतु केवल अस्थिरता में, निश्चित है तुम्हारा संसार परंतु केवल अनिश्चितता में, नित्य है तुम्हारा संसार परंतु केवल अनित्य में, और एक है तुम्हारा संसार परंतु केवल अनेकता में। तुम्हारा संसार है कब्रों में बदलते पालनों का, और पालनों में बदलती कब्रों का, रातों को निकलते दिनों का, और दिनों को उगलती रातों का, युद्ध की घोषणा कर रही शांति का, और शांति की प्रार्थना कर रहे युद्ध का, अश्रुओं पर तैरती मुस्कानों का, और मुस्कानों से दमकते अश्रुओं का। तुम्हारा संसार निरंतर प्रसव वेदना में तड़पता संसार है, जिसकी धाय है मृत्यु। तुम्हारा संसार छलनियों झरनियों का संसार है, जिसमें कोई दो छलनियां या झरनियां एक जैसी नहीं हैं, और तुम निरंतर उन वस्तुओं को छानने और झारने में खपते रहते हो जिन्हें छाना या झारा नहीं जा सकता। तुम्हारा संसार अपनी ही विरुद्ध विभाजित है, क्योंकि तुम्हारे अंदर का मैं इसी प्रकार विभाजित है। तुम्हारा संसार अवरोधों और बाड़ों का संसार है, क्योंकि तुम्हारे अंदर का मैं अवरोधों और बाड़ों का मैं है। कुछ वस्तुओं को यह पराया मानकर बाड़ से बाहर कर देना चाहता है, और कुछ को अपना मानकर बाड़ के अंदर ले लेना चाहता है। परंतु जो वस्तु बाड़ के बाहर है वह सदा बलपूर्वक अंदर आती रहती है, और जो बाड़ के अंदर है वह सदा बलपूर्वक बाहर जाती रहती है, क्योंकि वे एक ही माँ की, तुम्हारे मैं की संतान होने के कारण अलग अलग नहीं होना चाहती, और तुम उनके शुभ मिलाप से प्रसन्न होने के बजाय अलग ना हो सकने वालों को अलग करने के निष्फल चेष्टा में फिर जुट जाते हो। मैं के अंदर की दरार को भरने के बजाय तुम अपने जीवन को छील छील कर नष्ट करते जाते हो। तुम आशा करते हो कि इस तरह तुम इसे एक पच्छड़ बना लोगे, जिसे तुम, जो तुम्हारी समझ में तुम्हारा मैं है और जो तुम्हारी कल्पना में तुम्हारे मैं से भिन्न है, उन दोनों के बीच ठोक सको। इसलिए मनुष्यों के शब्द विष भरे होते हैं, इसलिए उनके दिन संताप में डूबे होते हैं, इसलिए उनकी रातें पीड़ा से तड़पती हैं। हे साधुओं, मिर्दा तुम्हारे मैं के अंदर की दरारों को भर देना चाहता है, ताकि तुम अपने साथ, मनुष्य मात्र के साथ और संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ शांति पूर्वक जी सको। मिर्दा तुम्हारे मैं के अंदर भरे विष को सोख लेना चाहता है, ताकि तुम ज्ञान की मिठास का स्वाद चख सको। मिर्दा तुम्हें तुम्हारे मैं को तोलने की विधि सिखाना चाहता है, ताकि तुम पूर्ण संतुलन का आनंद ले सको। मुर्शिद फिर रुक गए, और हम सब पर फिर से एक गहन मौन छा गया। एक बार फिर मेकियन ने मौन को भंग करते हुए कहा, तुम्हारे शब्द हमारी उत्सुकता बढ़ा रहे हैं मिर्दाद, वे अनेक द्वार खोलते हैं पर हमें देरी पर ही छोड़ जाते हैं। हमें इससे आगे ले चलो, हमें अंदर ले चलो।